आदिवासी लोग पुलिस थाने या कोर्ट जाने से डरते हैं। जब वे किसी आदिवासी व्यक्ति को शीर्ष पद पर देखते हैं तब उन्हें विश्वास होता है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। ये कहना था एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की बेटी इशिति का। हालांकि अब द्रौपदी मुर्मू सत्ता पक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है और उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। अगर वो जीत जाती हैं, तो ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी। सन 1998 में उड़ीसा के मयूरभंज में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। बेहद पिछड़े और दूर दराज के जिले से ताल्लुक रखने वाली मुर्मू ने गरीबी और अन्य समस्याओं से जूझते हुए भुवनेश्वर से कला में स्नातक किया और ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया। द्रौपदी मुर्मू के जीवन की कठिनाइयों का जिक्र करें तो मानो एक के बाद एक मुश्किलें आती रही। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ, जिससे उनके दो बेटे और एक बेटी हुई, लेकिन बाद में उनके बेटों का निधन हो गया और कुछ सालों बाद उनके पति भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये दौर द्रौपदी मुर्मू के लिए काफी कठिन था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ते हुए उन्होंने समाज के लिए कुछ करने के लिए राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अपना राजनीति सफर भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू किया। 1997 में उन्होंने रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद पद के चुनाव में हिस्सा लिया। उन्हें जीत भी मिली और उसके बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया। सफर लगातार जारी रहा और साल 2000 और 2002 के अंदर वो ओडिशा में भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन की सरकार में वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहे। उसके बाद उन्होंने मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर भी साल 2002 से 2004 में काम किया। उसके बाद उन्होंने रायगंज विधानसभा सीट से विधायकी का भी चुनाव जीता। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में भाजपा के टिकट पर दो बार विधायक चुनी गई हैं। उन्हें ओडिशा विधानसभा ने सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल 17 मई 2021 को समाप्त हो गया। द्रौपदी मुर्मू को झारखंड में सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल रहने का भी गौरव हासिल है। और अब वो भाजपा की तरफ से राष्ट्रपति पद की प्रबल दावेदार है, लेकिन सफलता के आगे उनके जीवन के संघर्षों को भुलाया नहीं जा सकता। पति और दो बच्चों को खोने के बाद भी उन्होंने हर मुश्किलों का डटकर सामना किया, साथ ही आदिवासी उत्थान के लिए काफी काम भी किया। अब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा है और एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की प्रबल दावेदार है।